बहुत सही। गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ये व्लॉग है जैसे वंश स्कूल जाता है, तो मैंने सोचा कि आप सभी से ना एक बार मुझे उसका रूटीन शेयर करना चाहिए, वंश का भी और अपना भी। और फिर ऐसा था ना, जैसे वंश के डैडी भी घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, बट उन्हें भी ऑफिस जाना पड़ रहा है 2-3 दिन के लिए। सो मैं इस व्लॉग में सारी वो चीज़ें डालना चाहती हूँ कि मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का क्या रूटीन रहता है, मैं अकेले ही कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ। सो आज का व्लॉग ये है, ये उन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मैं यहाँ पे वंश के लिए मैंने बनाया है चीला, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। वंश ज़्यादातर ना चीला पसंद करता है अपने ब्रेकफास्ट में और लंच में खाना, तो मैं उसको मतलब बदल बदल के कभी चीला दे देती हूँ सूजी का। प्लीज़ गाइस, जो भी मेरी वीडियो देखेगा मुझे बताना ये क्या है। रात रात में हुआ है वंश के, बट फिर भी वंश स्कूल जा रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय। वंश के लंच पर, और यही वंश का ब्रेकफास्ट भी है, वंश यही करेगा, है ना वंश? चल चीला खाओ बेटा, थोड़ा सा मैं कच्चा वच्चा डाल दूँ, पड़ता है सनराइज में। इसके लिए चीला विद वेजेस, और ये एग है, केचप है, थोड़े से मखाने हैं। ये वंशु का लंच है स्कूल का, एंड इसी में से ही वंश ब्रेकफास्ट कर रहा है। वंश को मम अच्छा लगता है और दो दो अच्छा लगता है। क्यों नहीं बेटा, पी ले बच्चा। अरे हैंकी, बाय बाय, तुम जा रहे हो ना, मम्मा मम्मा लेने आएंगी, ठीक है? बाय बाय। सो यहाँ पे वंश जा चुका है स्कूल अपने पापा के साथ, और जब तक वंशु के डैडी गए हैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे उनका लंच वगैरह की मैं तैयारी कर रही हूँ। लंच बना रही हूँ उनके लिए, रोटी बना रही हूँ, एग करी है, और साथ में चाय भी मतलब रख दी है कि जैसे आएंगे वो नहा धो के अपना रेडी होंगे और मैं फटाफट उनका लंच पैक कर दूँगी, देन उनको ब्रेकफास्ट करवा दूँगी, क्योंकि फिर उन्हें भी निकलना होगा ना ऑफिस के लिए। एंड यहाँ पे मैंने बनाई है एग करी बनाई है, और थोड़ा सा ना मतलब स्नैक्स टाइप भी मैं रख दूँगी, होता है ना शाम में चाय वाय के साथ ना थोड़ा अच्छा लगता है, तो नमकीन वगैरह आ रखी थी तो बस मैंने वही पैक कर दी है एक डब्बे में, रोटियाँ और एक डब्बे में करी है। सो गाइस ठीक है, वंश स्कूल जा चुका है और वंश के पापा रेडी हैं। वंश के पापा का मुझे टिफिन अभी पैक करना है, ये रह गया है अभी। सो ठीक है, फिर मिलती हूँ, जरा ये सब कर दो। सर तो यहाँ पे वंश के पापा भी जा रहे हैं ऑफिस के लिए, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, बस अभी ही मैं फ्री हुई हूँ। और पता नहीं क्या हुआ है, मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें ना मतलब आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो ठीक है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपने मेरा सेकंड चैनल देखा, जो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि स्किन से रिलेटेड जो मेरा चैनल है वो मैंने अलग सेपरेट मैंने कर दिया है, उसी पर मैं अपनी सारी वीडियोज़ डाल रही हूँ जो भी है, जो भी स्किन से रिलेटेड हैं। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, और जैसे आपने मुझे इस चैनल पर इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है,
तो मैं चाहती हूँ आप मुझे उस चैनल पे भी इतना प्यार और सपोर्ट करें, और जो भी मैं वहाँ पे रेमेडीज़ वगैरह डाल रही हूँ वो वाकई बहुत अच्छी हैं, इसको ज़रूर आप यूज़ भी करना। अभी आप देख सकते हैं अभी जो मेरा रूटीन है मॉर्निंग से लेकर अभी तक का, मींस क्या ही हुआ, अभी सिर्फ वंश स्कूल गया है और वंशु के डैडी गए हैं ऑफिस। मैं अभी अभी फ्री हुई हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, लाइक मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी नहीं पी है, देन मेरा नाश्ता भी रहता है, अभी मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो बस अब उसी की मैं तैयारी करूँगी, देन उसके बाद फिर घर की सेटिंग वेटिंग करनी है। फिर आज क्या है ना, वंश के डैडी गए थे वंश को छोड़ने स्कूल, और लेने के लिए अब मैं जाऊँगी क्योंकि अब मेरी ड्यूटी लग गई है क्योंकि घर में कोई है नहीं। अब मैं यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ के लिए भी एक चीला बना रही हूँ, तो अच्छा होता है एक्चुअली, हेल्दी भी होता है, और वंश के लिए भी मैंने चीला बनाया था तो वो बैटर बच गया था, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बनाया था कि अपनी मदर इन लॉ को भी मैं वही दे दूँगी चीला, तो उनका भी नाश्ता रेडी है, उनको भी नाश्ता दे रही हूँ मैं, देन अब बात। गाइस ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक आ चुकी है, काफ़ी लेट है मॉर्निंग ड्रिंक, अभी बज रहे हैं 10:30, तो अब क्या करूँ, टाइम ही अभी लगा है, तो अभी मैं ये ड्रिंक अपनी ले रही हूँ। इसमें मैंने डाला है चिया सीड्स हैं और ग्रीन टी है, लेमन नहीं है क्योंकि ख़त्म हो गया था, और है इसमें शहद हनी। तो चलो ठीक है, ग्रीन टी लेते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, और इसमें मैं बना रही हूँ रागी की रोटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मुझे वेट लूज़ करना है, जैसे कि मैं हर बार आपको बता रही हूँ वीडियोस में, तो ये मतलब जो रागी की रोटी होती है वो अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, और थोड़ा वेट लूज़ के लिए भी अच्छी होती है। मीन्स अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, आप ज़रूर पढ़ना इसके बारे में, काफ़ी बेनिफिट होते हैं इस आटे के, इसमें मतलब आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, और जो भी हमारे मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना, लेडीज़ प्रॉब्लम्स वगैरह भी जो भी होती हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है ये हमें, तो काफ़ी अच्छी होती है रोटी। इनफैक्ट इसमें जैसे कि शुगर वगैरह भी होता है ना वो नॉर्मल रहता है, जैसे किसी को बीपी है तो वो भी नॉर्मल रहता है, काफ़ी बेनिफिट है इस रोटी के। अगर आप चाहो तो आप भी यूज़ करना इसको और करके ज़रूर देखना, क्योंकि रोटी वाकई बहुत अच्छी है, और दिन में एक या दो रोटी आप ज़रूर इसको खा कर देखना, 1 मंथ आप इसको खा के देखो, देन आप अपनी हेल्थ में आपको खुद ही फ़र्क दिखाई देगा। मैं तो मतलब वीक में 2 या 3 डे मैं लेती हूँ, मीन्स मॉर्निंग में ले लेती हूँ, बस ऐसे ही चलता है, कभी चीला लेती हूँ कभी रागी की रोटी, बस ऐसे ही हो चुका है वंश को स्कूल से लाने का, छोड़ने तो उसके डैडी गए थे लेकिन लेने के लिए मैं जा रही हूँ, तो ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ वंश मतलब स्कूल में क्या कर रहा होगा, और उसका उसका स्कूल भी हमने चेंज किया है, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको लेकर आती हूँ। बाल कैसे हो रहे हैं आपके, हेयर कैसे हो रहे
डिश बनाई, क्या दिखा रहे हो? देखे हम घर जा रहे हैं, अभी वंश की एक्टिविटी दिखाएंगे, वंश ने क्या क्या किया है स्कूल में, कितना फन किया, उसे फन किया स्कूल में? आपने पूरा खाना खाया है? ऐसे बोलो, आपने पूरा खाना खाया? मैं पूरा खाना खाया है। ओह वाह, वंश ने पूरा खाना खाया है, देखते हैं पूरा खाना खाया है नहीं खाया। तो गाइस, वंश के स्कूल में अभी कोई फंक्शन है तो बच्चे उसी की ही प्रैक्टिस कर रहे थे डांस वगैरह की। आज का व्लॉग इतना ही था, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बाय बाय।